आपने कहा था 50 दिन दो मुझे नोटबंदी के दौरान, 50 दिन में कुछ नहीं हुआ। आपने कहा मुझे 100 दिन दो, 100 दिन में भी कुछ नहीं हुआ। और आखिरी में अंत में आपने ये बोला था 100 दिन निकलने के बाद अगर मेरे से कुछ ठीक नहीं होता तो बीच चौराहे पे मेरे को फांसी दे देना, बीच चौराहे पे मेरे को फांसी दे देना। तो आज मोदी जी हम फांसी लेकर आए हुए हैं और सिर्फ आपकी कमी महसूस हो रही है, क्योंकि जनता को जो आपने झूठ बोला था, जनता के से आपने जो फ्रेप करा था, आपने बोला था बीच चौराहे पे फांसी दे देना मेरे को। तो आज मोदी जी आप कहाँ हो, किस विदेश की यात्रा कर रहे हो, ये जनता यहाँ पे ढूंढ रही है आपको। क्यों? क्योंकि आपके ये फांसी इंतजार कर रहा है, ये फांसी इंतजार कर रहा है मोदी जी, क्योंकि आपने कहा था बीच चौराहे पे मेरे को लटका देना। आप कहाँ हो, आपकी झूठी बातें कहाँ है, आपकी गोलीबाजी कहाँ है, आपकी मन की बातें कहाँ है? आपने ना रोजगार दिया, ना देश की अर्थव्यवस्था को ठीक किया, ना देश में नौजवानों को नौकरियां दी, ना देश में महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है उसको ठीक करा। तो मोदी जी, जनता जनता अब जान चुकी है, जनता के पास रोजगार नहीं है, जनता के पास नौकरी नहीं है, जनता के पास देश में अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है।